सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जगदीप राठौर एंड यू आर वाचिंग माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जगदीप राठौर। वेलकम ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग एन टाइम। हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की जो हमने एक सीरीज़ चलाई है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज़, जो कि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आज में हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विद अ फीट का 3rd चैप्टर द मिडनाइट विजिटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs करने वाले हैं, जो कि CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। तो ठीक है, तो ये वीडियो होने वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्त, ठीक है, और हेल्पफुल फॉर यू। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक अवर वीडियोज, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू योर क्लोज फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास 10th इंग्लिश द मिडनाइट विजिटर, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs विच हैव बीन कम इन CBSE बोर्ड एग्जाम्स। लेट्स सी टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच हैव बीन कम इन CBSE बोर्ड एग्जाम 2014। लेट्स सी टू क्वेश्चन, व्हाई हैड फॉलोवर वांटेड टू मीट ऑसिबल। तो फॉलोवर कौन था, पहली बार रिवाइज करते हैं, क्विक रिविजन। फॉलोवर जो था एक हमारा राइटर था जो कि ऑसिबल से मिलना चाहता था, तो इसमें वही हमें लिखना है कि व्हाई हैड फॉलोवर वांटेड टू मीट ऑसिबल, कि वो ऑसिबल से क्यों मिलना चाहता था, तो वो हमें इसमें मेंशन आउट करना है। तो आंसर लिखेगा, फॉलोअर वाज अ राइटर एंड ही हैड वांटेड टू मीट ऑसिबल अ रिनोन्ड सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल कौन था, हमारा एक सीक्रेट एजेंट था। तो जो फॉलोअर था वो एक राइटर था और वो ऑसिबल से मिलना चाहता था, क्यों, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट था। फॉलोअर वांटेड टू नो हाउ ऑसिबल टैकल डेंजरस सिचुएशंस, वो जानना चाहता था कि ऑसिबल कैसे जो है डेंजरस सिचुएशन है उन्हें उनसे वो टैकल करता है, उनसे वो बाहर आता है, ठीक है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन ही सॉ ऑसिबल, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया जब उसने ऑसिबल को देखा। एज ही डिड नॉट लुक लाइक वट फॉलोअर थाट अ सीक्रेट एजेंट शुड लुक लाइक, और वो डिसअपॉइंट क्यों हो गया, निराश क्यों हो गया, क्योंकि जब उसने ऑसिबल को देखा, क्योंकि ऑसिबल तो एक सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल ही नहीं लगता था, जैसा कि एक सीक्रेट एजेंट को होना चाहिए वैसा ऑसिबल बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, इसीलिए जो फॉलोअर था वो हमारा निराश हो गया। तो ये सब आपको इसमें मेंशन आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, फॉलोअर वाज अ राइटर एंड ही हैड वांटेड टू मीट ऑसिबल अ रिनोन्ड सीक्रेट एजेंट। फॉलोअर वांटेड टू नो हाउ ऑसिबल टैकल डेंजरस सिचुएशंस। ही वाज डिसअपॉइंटेड व्हेन ही सॉ ऑसिबल एज ही डिड नॉट लुक लाइक व्हाट फॉलोअर थॉट अ सीक्रेट एजेंट शुड लुक लाइक, क्योंकि जब उसने उसे देखा तो वो निराश हो गया, क्योंकि जैसा फॉलोअर ने सोचा था कि सीक्रेट एजेंट इस प्रकार का होगा, वैसा ऑसिबल जो है बिल्कुल भी नहीं दिखता था, डिड नॉट लुक लाइक इट, बिल्कुल भी उस प्रकार नहीं दिखता। तो ये आपको लिखना है, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था फॉलोअर से मिलने के लिए, क्योंकि उसे लगा था जैसा एक सीक्रेट एजेंट होता वैसे फॉलोअर ऑसिबल होगा, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं था, ऑसिबल तो बिल्कुल भी उस प्रकार नहीं लगता था, ठीक है। और वो जानना चाहता था कि एक सीक्रेट एजेंट कैसे डेंजरस सिचुएशंस को टैकल्ड करता है, तो वो बिल्कुल प्रकार भी नहीं लगता था, बट उसे टैकल करने में जो बट लेकिन उस सिचुएशंस को अच्छे से टैकल आउट करता था, जैसे कि हमने स्टोरी में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई डिड मैक्स फेस टर्न ब्लैक विथ एंगर। मैक्स कौन था जो चोरी करने आया था, जो कि मिसाइल्स की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को लेने आया था, तो मैक्स का जो फेस है वो गुस्से से काला क्यों हो गया। What did he want ऑसिबल to do? वो क्या चाहता था कि ऑसिबल क्या करे, ठीक है, ही वॉन्ट ऑसिबल टू डू, कि ऑसिबल क्या करे ऑसिबल ने, ठीक है। तो वो आंसर ये CBSE 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या लिखेंगे आप, मैक्स फेस टर्न ब्लैक विथ एंगर बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज प्लान ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑसिबल वॉज इन डेंजर ड्यू टू ऑफ हॉलिंग ड्यू टू नॉकिंग ऑन द डोर। चलिए दोबारा से इतनी बड़ी लाइन का मतलब यही समझा पाऊँगा। मैक्स फेस टर्न ब्लैक विथ एंगर, मैक्स जो था उसका फेस काला क्यों हो गया गुस्से से, बिकॉज ही फेल्ट डैट हिज प्लान ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑसिबल, उसे लगा कि जो उसका प्लान था कि जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था ऑसिबल से लेने का, उसे छीलने का जो प्लान था, वॉज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग ड्यू टू नॉकिंग ऑन द डोर, क्योंकि वो उसे लगा कि वो डेंजर में आ चुका है, कि वो अब यानी कि जो उसका प्लान था उस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को छीनने का ऑसिबल से, वो
ठीक है, वो प्लान तो कहीं गया और वो खुद डेंजर में आ गया, बिकॉज तो क्या होने लगा, डोर पे क्या होने लगी, नोकिंग होने लगी। बट वो नोकिंग किसकी थी? हैनरी, जो कि ड्रिंक्स लेके आया था किसके लिए? ऑसेबल के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर डोर पे नोकिंग होती है और उसे लगता है कि अब उसकी जान जो है खतरे में है। विच ऑसेबल आइडेंटिफाई एज द पुलिस, और ऑसेबल ने कहा कि दरवाजे पर तो पुलिस है। ही वॉन्टेड ऑसेबल टू सेंड द पुलिस अवे, ठीक है, वो चाहता था कि ऑसेबल किसी न किसी तरीके से पुलिस को यहाँ से भेज दे, तो ये वो चाहता था। तो आपको ये सारा कुछ इसमें मेंशन आउट करना है क्या है। मैक्स फेस टर्न ब्लैक विथ एंगर बिकॉज ही फेल डैट हिज प्लान ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑसेबल वॉज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग ड्यू टू नॉकिंग ऑन द डोर विच ऑसेबल आइडेंटिफाई एज द पुलिस। ही वॉन्टेड ऑसेबल टू सेंड द पुलिस अवे, ठीक है, क्योंकि उसे लगा कि उसका जो प्लान था, ठीक है, चोरी करने का डॉक्यूमेंट, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, मिसाइल्स की रिपोर्ट थी वो लेने का, वो अब उसका प्लान जो है वो तो कहीं गया, खुद तो खतरे में आ गया है। क्योंकि ऑसेबल ने कहा कि डोर पर जैसी नौकरी हुई, ऑसेबल ने कहा कि यहाँ पर तो पुलिस है, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया कि अब उसकी जान जो है खतरे में आ गई, अब उसे जेल जाना पड़ेगा। और वो चाहता था कि ऑसेबल जो है उस पुलिस को कहीं उल्ट वापस भेज दे, बट वो पुलिस नहीं थी, वो थी हैनरी, हैनरी था वो हमारा जो वेटर था, जो कि ड्रिंक्स लेके आया था ऑसेबल के लिए। तो देखा था ना कैसे ऑसेबल ने दिमाग चलाया और मैक्स को मरवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ऑसेबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी सी, ठीक है, ये 2012 में आ गया है CBSE में। तो ये तुम्हें बताना है कि ऑसेबल ने जो है स्टोरी थी, जो बालकनी थी, वो क्यों बनाई, किस रीज़न से उसने जो स्टोरी है बालकनी की वो बनाई, वो लिखना है। ऑसेबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ बालकनी टू काउंटर द यूज़ ऑफ पिस्टल बाय द रॉयल सीक्रेट एजेंट मैक्स टू थ्रेटन हिम, क्योंकि जो मैक्स है वो चोरी करने आया था और ऑसेबल ने इसीलिए जो स्टोरी बनाई बालकनी की, ताकि जो कि वो क्या कर सके, ऑसेबल जो है मैक्स को काउंटर कर सके, और वो क्योंकि वो अपने साथ एक पिस्टल लाया था और वो चोरी करने आया था, तो वो उसने इसीलिए स्टोरी बनाई ताकि वो मैक्स को काउंटर कर सके। द राइवल वुड बी हैव बीन एबल टू गेट द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट द न्यू मिसाइल्स, क्योंकि उसे जो है न्यू जो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी मिसाइल्स के बारे में वो मैक्स को चाहिए थी। इफ़ ऑसेबल हैड नॉट कॉन्टेंटेड द स्टोरी, ठीक है, वो चाहिए थी, अगर ऑसेबल ये स्टोरी ना बनाता ना, तो वो शायद रिपोर्ट मैक्स उससे छीन लेता, क्योंकि उसके पास पिस्टल थी। बट ऑसेबल ने दिमाग चलाया, स्टोरी बनाई और कहा कि तुम बालकनी में छिप जाओ, तो मैं पुलिस को उल्टा भेज दूंगा। लेकिन वो वहाँ पर बालकनी नहीं थी, वो उसने छलांग लगाई, उसने देखा तो नहीं, ठीक है, उसने छलांग लगाई तो वो नीचे चला गया और नीचे जाकर वो मर गया। तो इसीलिए उसने स्टोरी बनाई ताकि जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो मिसाइल्स की वो बच सकी। तो ऑसेबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ बालकनी टू काउंटर द यूज़ ऑफ द पिस्टल ऑफ द राइवल सीक्रेट एजेंट मैक्स टू थ्रेटन्ड हिम। The rival would have been able to get the important report about the new missiles if Ossible had not contacted the story. ठीक है, अगर उसने ये स्टोरी ना बनाई होती तो शायद वो उससे रिपोर्ट ले जाता और वो Ossible जो मैक्स है उसको काउंटर करना चाहता था, क्योंकि मैक्स अपने साथ एक पिस्टल भी लाया था और वो खुद को बचाना भी चाहता था और फॉलोवर को भी बचाना चाहता था, इसलिए उसने बालकनी की स्टोरी बनाई और मैक्स को मरवा दिया। तो ये तुम्हें सब कुछ इसमें मेंशन आउट करना है। नेक्स्ट इज वट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन है ये, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड ऑसेबल गिव अबाउट द इमेजिनरी बालकनी। ऑसेबल ने इमेजिनरी बालकनी जो उसने बनाई थी, ठीक है, जो उसने कहा था कि इस यहाँ पर बालकनी है, तो उसके बारे में उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी किसको, और मैक्स को, व्हाट डिड ही शुड डू सो, और उसने क्या किया। CBSE 2013 में एक क्वेश्चन आ चुका है और मुझे उम्मीद है इस साल भी आ सकता है, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ के रखना भाई। तो आंसर है, ऑसेबल क्रिएटेड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ हिज रूम वाज अ पार्ट अ बिगर अपार्टमेंट एंड हाउ द नेक्स्ट रूम हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद बालकनी। ऑसेबल ने क्या किया, उसे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया मैक्स को कि मेरा रूम इस प्रकार का है, ऐसा है, और कैसे जो है उसका रूम जो है नेक्स्ट रूम के साथ कनेक्टेड है विद द बालकनी, क्योंकि बालकनी आधी इधर है और आधी नेक्स्ट रूम तक की है, तो इनकी उसका रूम कैसे कनेक्टेड है दूसरे रूम के साथ बालकनी से, और उसने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, एक गहरा डिस्क्रिप्शन दिया भी कैसे जो है संक्षेप डिस्क्रिप्शन, संक्षेप तो छोटा होता है, कि कैसे जो है उसका रूम दिखता है, कैसा वो बिगर अपार्टमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, और कैसे उसका नेक्स्ट रूम जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है इस रूम के साथ विद द बालकनी।
His statement that somebody else had also broken into his office through the balcony made it convincing story. जो इसकी स्टेटमेंट थी वो किसी को मतलब किसी को भी मतलब कैसे भी कर, अब उसने मैक्स को थोड़ी पता था कि यहाँ पर बालकनी सच्ची में नहीं है, उसने तो सोचा कि ये बता रहा है तो बालकनी होगी तो मैं वहाँ पर छुप जाऊँगा और पुलिस जब चली जाएगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। पॉसिबल डिड दिस टू फूल मैक्स इनटू थिंकिंग दैट अ बालकनी एग्जिस्ट जस्ट आउटसाइड द विंडो। पॉसिबल जो है मैक्स को बुद्धू बनाना चाहता था ये बता के कि जो बालकनी है ना वो विंडो के कि वो जो है जस्ट जैसे विंडो के जस्ट आउटसाइड है। उसने जो है यही कहकर जो उस मैक्स को बुद्धू बनाया। एज ही नो डैट सून द वेटर ब्रिंगिंग द ड्रिंक्स ही हैड ऑर्डर वुड बी नॉकिंग एट द डोर, और उसे पता था कि जल्द ही जो है डोर पे नॉकिंग भी होने वाली है क्योंकि उसने जो है हेनरी जो वेटर है उससे क्या मंगाई थी, ड्रिंक्स मंगाई थी खुद के लिए। तो फिर क्या हुआ डोर पे नॉकिंग होने लगी विच में प्रॉम्प्ट मैक्स टू जंप टू इनटू इमेजिनरी बालकनी टू हाइड। और इसीलिए मैक्स ने सोचा चलो मैं इस बालकनी में जब कूद कर छिप जाता हूँ, ठीक है बालकनी में छिप जाता हूँ, जब पुलिस चली जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा और मैं वापस बाहर आ जाऊँगा। और उसने वहाँ पर कूद किया और उसकी जान चली गई। ठीक है तो ये आपको लिखना है, क्या लिखना है, पॉसिबल क्रिएटेड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ हिज रूम वॉज अ पार्ट ऑफ बिगर अपार्टमेंट, हाउ द नेक्स्ट रूम है डायरेक्टली कनेक्शन विद बालकनी। हिज स्टेटमेंट दैट समबडी एल्स हैड सो बीन ब्रोकन इन टू हिज ऑफिस थ्रू द बालकनी मेड इट इन अ कन्विंसिंग स्टोरी। पॉसिबल डिड दिस टू फूल मैक्स इन टू थिंकिंग दैट अ बालकनी एग्जिस्ट जस्ट आउटसाइड द विंडो। एज ही नो डैट सून द वेटर ब्रिंगिंग द ड्रिंक्स ही हैड ऑर्डर वुड बी नॉकिंग एट द डोर विच मे प्रॉम्प्ट मैक्स टू जंप इन टू द इमेजिनरी बालकनी टू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। व्हाई डिड मैक्स स्क्रीम श्रिली व्हेन ही ड्रॉप टू द बालकनी। जब मैक्स जो है बालकनी में गिरा तो वो बालकनी क्योंकि वहाँ पर इमेजिनरी बालकनी थी तो वहाँ पर वो गिरा तो उसकी चीखने की आवाज़ क्यों आई। CBSE 2011 में आ चुका है। तो क्या है, ए पर्सन स्क्रीम श्रिली व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स टू हिम। एक पर्सन जो होता है वो तभी चिल्लाता है जब वो चीज़ हो जाए जो पर्सन को नहीं चाहिए होती है। हेयर मैक्स स्क्रीम्ड श्रिली व्हेन ही ड्रॉप टू द बालकनी बिकॉज एक्चुअली देयर वाज नो बालकनी एट ऑल। मैक्स जो है बहुत ज़ोर से क्यों इसीलिए चिल्लाया क्योंकि उसे लगा था कि वहाँ पर बालकनी है जब वो बालकनी में गिरा क्योंकि वहाँ पर कोई बालकनी ही नहीं थी इसलिए वो चिल्लाया। इट वॉज ओनली अ फिगमेंट ऑफ पॉसिबल इमेजिनेशन। ये पॉसिबल इमेजिनेशन का कोई एक मतलब एक चीज़ थी जिससे वो बुद्धू बना सके। पॉसिबल हैड डिस्क्राइब इट सो विविजली। पॉसिबल ने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया कि कैसे जो है बालकनी है इंक्लूडिंग हिज हिस्ट्री एंड यूज़। मैक्स वॉज कन्वेंसिंग देयर वॉज अ बालकनी जस्ट आउटसाइड द विंडो। और उसने मैक्स को कन्वेंस्ड किया कि विंडो के आउटसाइड बालकनी है, ठीक है, एंड ट्राई टू जंप ऑन टू विदाउट लुकिंग। और मैक्स ने बिना देखे ही उसमें वो कूद गया, बिना देखे ही बालकनी में वो कूद गया। एज द रूम वॉज ऑन सिक्स फ्लोर, क्योंकि रूम सिक्स फ्लोर था, मैक्स वुड सर्टेनली हैव बीन डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम सच हाइट। इतनी ऊँची हाइट से छूने तक, क्योंकि सिक्स फ्लोर से जब कोई भी सिक्स फ्लोर से कूदेगा तो मर जाएगा, इसीलिए पॉसिबल मैक्स जो है वहाँ से कूदा और उसकी जान चली गई। तो ये तुम्हें लिखना है, मेंशन आउट करना है। तो आंसर लिखेंगे आप इसका, ए पर्सन स्क्रीम श्रिली व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स टू हिम। हियर मैक्स स्क्रीम श्रिली व्हेन ही ड्रॉप टू द बालकनी बिकॉज एक्चुअली देर वॉज नो बालकनी एट ऑल। इट वॉज ओनली फिगमेंट ऑफ पॉसिबल इमेजिनेशन। पॉसिबल हैज डिस्क्राइब इट सो विविजली इंक्लूडिंग इट्स हिस्ट्री एंड यूज दैट मैक्स वॉज कन्विंस्ड दैट देर वॉज अ नो बालकनी जस्ट आउटसाइड देर वाज बालकनी जस्ट आउटसाइड द विंडो एंड ट्राई टू जंप ऑन टू विदाउट लुकिंग। एज द रूम वाज ऑन सिक्स फ्लोर मैक्स वुड सर्टेनली हैव बीन डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम सच अ हाइट। तो क्योंकि हमने देखा था ना स्टोरी में, उसने कहा कि यहाँ पर बालकनी है तुम यहाँ पर छुप जाओ, जब पुलिस चली जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। उसने बिना देखी मैक्स ने वहाँ पर कूद गया और उसकी जान चली गई। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।